सो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये वाली USB हब। सो गाइस इसके अंदर जो है हमें चार पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, और ये मैंने पता नहीं कौन सी दुकान से ली थी। इसको 2 महीने हो चुके हैं अभी लीक हो, और यहाँ पर सर्दी भी आ चुकी है, और सर्दी के कारण इसका वायर थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। सो काम चला जाएगा हमारा इसके साथ। सो गाइस यहाँ पर आ जाता है दूसरा हमारे यहाँ गेमिंग माउस। सो गाइस इसको भी लेने के लिए नहीं, इसको तो हमने ऑनलाइन ही शायद मंगाया था, हाँ 300 रुपये का था ये। और इसको मंगवाने के लिए मुझे इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े, थोड़ा सा ही ढूंढा था और मिल गया था यहाँ पर। गाइज इसके अंदर RGB लाइट्स भी लगी हुई हैं। इसके अंदर गाइज आपको 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, एक सेंटर में है, एक लेफ़्ट राइट, और जो है विचाले जो सेंटर में इसके जो है स्क्रोल बार दी हुई है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड। सो गाइज कीबोर्ड तो मेरे पास पहले से ही पड़ा था, दोस्त के पास पड़ा था, तो गाइज वहाँ पर से उठा ले आया मैं। सो गाइस इसके भी बटन थोड़े से हार्ड है, ये खेल खेल कर अपने आप ही सही हो जाएंगे। सो गाइस उसके बाद आ जाता है हमारा मोबाइल, और मोबाइल को कैसे चलाना है, इसके साथ कैसे अटैच करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप मोबाइल भी देख सकते हो, अपना रियलमी का Narzo 10 है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन हमारा जो है ये टाइम सारता रहता है। सो गाइस आपको एक चीज़ रह चुकी है, ये OTG हब, नहीं इसको क्या बोलते हैं, OTG शायद। सो गाइस इसके साथ ही सब काम हो पाएगा, इसके बिना तो सभी काम अधूरा हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो है टोटली अपना सेटअप रेडी कर लिया है। सो गाइस हम इसको माइनक्राफ्ट को खेलने का ट्राई करेंगे यहाँ पर। सो गाइस अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। सो यहाँ पर गाइस अंधेरा कर लिया है अपने रूम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा माउस जो है कितनी RGB बढ़िया लाइट निकाल रहा है। सो यहाँ पर जो अपनी OTG हब वो ब्लो कर रही है, और यहाँ पर हमारा मोबाइल, और यहाँ पर हमने लाइट लगा दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, हमारा सब कुछ अटैच हो चुका है। सो यहाँ पर अपना मोबाइल है, मोबाइल के साथ हमने OTG कनेक्ट किया, OTG के साथ USB हब के साथ हमने माउस, और यहाँ पर कीबोर्ड। सो गाइस थोड़ा सा खेलने का ट्राई करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। सो गाइस इसका मैं गेम प्ले जल्दी जल्दी लेकर आऊँगा, थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सर्वाइवल सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, और सब्सक्राइब जरूर से चैनल को करके जाइएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे लगाया हुआ है यहाँ पर सिस्टम, ये मम्मी से गालें वैसे पड़ेगी तो डांट तो पड़ेगी ही। सो गाइस मम्मी से आने से पहले पहले रात को ही गेम खेल लिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है, और दिखा देते हैं आपको ये वर्किंग करता है या नहीं। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा पहले कीबोर्ड चलाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप W जो है हमारा मूव करा रहा है करेक्टर को, और यहाँ पर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। सो इसको आप देख सकते हैं। सो इसके बाद आ जाता है हमारा माउस, और माउस के साथ भी आपको थोड़ा सा खेल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सेंसिटिविटी थोड़ा सा मुझे ऑड सा लगा है, यहाँ पर इसके बटन भी वर्क कर रहे हैं। सो गाइस बस इतना ही इस वाले वीडियो के अंदर, और गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, हम सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो एट दी एंड हमारा जो सेटअप रेडी है, और हम गेम प्ले अपलोड किया करेंगे अपने जो सर्वाइवल सीरीज भी स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम अपना जो गेम प्ले ही अपलोड करेंगे। सो गाइज ओके।